ये एक 26x51 का हाउस प्लान, ये उसका मॉडल है। इसका ये लंबाई है 51 फीट 6 इंच और इसका ये चौड़ाई ये है 26 फीट 6 इंच। प्लॉट का साइज 26 फीट 6 इंच इंटू 51 फीट 6 इंच और हमारा ये नक्शा भी 26 फीट 6 इंच इंटू 51 फीट 6 इंच का ये एक पूर्वमुखी घर का नक्शा। ये घर का फ्रंट है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन। ये एक 3BHK हाउस प्लान है। ये देखिए, ये है उसका नक्शा, ये है 26 फीट 6 इंच और ये है 51 फीट 6 इंच। ये एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। इसमें 3 बेडरूम है, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम और यहाँ पर एक बेडरूम है। यहाँ पर एक हॉल है और ये है किचन। प्लॉट का साइज और हमारा नक्शा का साइज समान है, इसलिए ये प्लॉट के तीनों साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक साइड, ये तीनों साइड एनक्लोज है, इसलिए खिड़की का प्रोविजन हम नहीं किए हैं आउटर वॉल में। इसके लिए हम एक इसके लिए हम दो ओपन टू स्काई यहाँ पर प्रोविजन किए हैं। पीछे है एक ओपन टू स्काई, यहाँ पर है ओपन टू स्काई और यहाँ पर एक डक्ट है। ये देखिए, ये है बेडरूम और ये एक बेडरूम और ये एक बेडरूम। यहाँ पर है किचन, ये है OTS ओपन टू स्काई और यहाँ पर एक ओपन टू स्काई और ये एक डॉक्ट है। घर का फ्रंट इधर है, देखिए ये है घर का फ्रंट, ये है घर का मेन गेट यहाँ पर लगेगा और ये है फ्रंट वॉल और यहाँ पर एक खिड़की लगा सकते हैं आप। यहाँ से अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ये है स्टेयरकेस और ये है घर का डोर, एंट्री डोर, ये है मेन गेट और ये है एंट्री डोर। ये बाएं तरफ यहाँ पर है बेडरूम, ये देखिए बेडरूम है, यहाँ पर एक बेडरूम है। बेडरूम में आने के लिए देखिए ये है लिविंग हॉल, ये पर्सन है लिविंग हॉल का है, ये लिविंग हॉल का है। लिविंग हॉल से ये बेडरूम में आने के लिए यहाँ पर एक डोर है, ये एक डोर है, ये डोर। और वेंटिलेशन के लिए देखिए सामने एक खिड़की है और यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर और एक बेडरूम है, देखिए ये एक बेडरूम। बेडरूम में जाने के लिए ये बेडरूम जो है, ये बेडरूम में जाने के लिए यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है और ये जो डक्ट यहाँ पर है, ये डक्ट में भी एक खिड़की है, छोटा सा खिड़की। और ये है पूजा घर, ये पर्सन है पूजा घर का। पूजा रूम में जाने के लिए यहाँ पर एक डोर है, ये पूजा रूम का डोर। और पूजा रूम के पास यहाँ पर है ओपन टू स्काई, ये है ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई से वेंटिलेशन होगा, ये खाली रहेगा ये पर्सन। और ओपन टू स्काई में यहाँ पर एक खिड़की है और ये लिविंग के पीछे यहाँ पर है डाइनिंग, देखिए यहाँ पर है डाइनिंग और ये है मास्टर बेडरूम, ये है मास्टर बेडरूम। और ये मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 14 फीट इंटू 11 फीट, 14 फीट है ये इसे और ये है 11 फीट। ये जो बेडरूम है इसका डायमेंशन है 11 फीट इंटू
12 फीट, ऐसे 11 फीट है और ऐसे 12 फीट। ये जो लिविंग हॉल है यहाँ पर, ये लिविंग हॉल का डायमेंशन है 10 फीट इंटू 17 फीट 4 इंच। और ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम का डायमेंशन है 9 फीट इंटू 12 फीट। इसको आप गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पूजा घर, पूजा घर का डोर यहाँ पर है और ये है ओपन टू स्काई, ये पर्सन ओपन टू स्काई। यहाँ पर ये जो टॉयलेट के पीछे यहाँ पर है एक डक्ट, और ये टॉयलेट का डायमेंशन है 7 फीट 1 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच। ये है टॉयलेट। ये जो डाइनिंग है, ये डाइनिंग का वेंटिलेशन के लिए ये जो डक्ट, ये डक्ट में एक खिड़की है यहाँ पर। और ये मास्टर बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए ये पर्सन, ये है ओपन टू स्काई ओटीएस। ओटीएस में जाने के लिए मास्टर बेडरूम से एक यहाँ पर डोर है और ये है उसका खिड़की लाइट के लिए। और ये है मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट, यहाँ पर देखिए अटैच टॉयलेट है। ये अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 5 फीट इंटू 7 फीट। और ये ओटीएस का डायमेंशन है 8 फीट 2 इंच इंटू 7 फीट। और यहाँ पर है किचन, ये है किचन। किचन रूम में जाने के लिए डाइनिंग से यहाँ पर एक डोर है, और ये मास्टर बेडरूम में जाने के लिए डाइनिंग से यहाँ पर एक डोर है। ये पर्सन देखिए, यहाँ पर भी आप एक डोर लगा सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो इसको आप ऐसे खाली भी रख सकते हैं। और ये जो किचन है, किचन का वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पर तो ओपन टू स्काई है, ओपन टू स्काई में एक खिड़की यहाँ पर है। ये किचन का स्लैब, और ये किचन का डायमेंशन है 10 फीट इंटू 7 फीट का, 10 फीट है इसका लंबाई और ये 7 फीट इसका चौड़ाई है। देखिए ये है उसका प्लान, यहाँ पर है किचन, ये है ओटीएस। किचन का डायमेंशन है 10 फीट इंटू 7 फीट, ओपन टू स्काई का डायमेंशन है 8 फीट 2 इंच इंटू 7 फीट। ये है मास्टर बेडरूम, ये है मास्टर बेडरूम 14 फीट इंटू 11 फीट। और ये किचन के पास यहाँ पर है डाइनिंग 10 फीट इंटू 11 फीट। और ये है टॉयलेट 5 फीट इंटू 7 फीट। ये है बेडरूम नंबर 2, 11 फीट इंटू 12 फीट। और ये है लिविंग हॉल बीच में 10 फीट इंटू 17 फीट 4 इंच। देखिए ये बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की और ये डक्ट में एक खिड़की है। मास्टर बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए ओपन टू स्काई में खिड़की है और ये डक्ट में भी एक छोटा सा खिड़की है। किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है। और ये लिविंग हॉल का डायमेंशन के लिए ओटीएस यहाँ पर है, ओटीएस में एक खिड़की है। और ये जो डाइनिंग का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है। ये जो बेडरूम नंबर 3, इसका वेंटिलेशन के लिए सामने एक खिड़की और ये स्टेयरकेस में एक खिड़की है। ये एक नॉर्थ फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान है। देखिए ये है स्टेयरकेस, ये है छत का, ये है छत और ये है स्टेयरकेस। ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस यहाँ पर है, ये स्टेयरकेस है। और ये देखिए यहाँ पर एक ओटीएस ओपन टू स्काई, यहाँ पर एक ओपन टू स्काई और ये एक डक्ट। ओपन टू स्काई में अंदर न घुस पाने के लिए आप यहाँ पर एक ग्रिल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से लाइट और वेंटिलेशन होगा, यहाँ पर आप ग्रिल लगा सकते हैं। यहाँ पर जो पीछे ओपन टू स्काई है यहाँ पर भी आप ग्रिल लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी ग्रिल लगा सकते हैं ताकि कोई चोर अंदर घुस ना सके, कोई बाहर का आदमी अंदर घुस ना सके।
ये है घर का डिजाइन, आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं। ये है घर का डिजाइन, दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इसका प्लिंथ एरिया देखते हैं कितना है, इसका प्लिंथ एरिया और ये प्लॉट का एरिया है, देखिए ये 26 फीट 6 इंच × 51 फीट 6 इंच टोटल प्लिंथ एरिया, और इसका प्लॉट एरिया है 1364 के प्लॉट पर हम ये देख रहे हैं एक नॉर्थ फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान एज पर स्टैंडर्ड वास्तु। अगर आपको ये नक्शा अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को।